प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जहां सियासी दलों के बीच इसके श्रेय को हासिल करने के लिए होड़ मची है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राम जन्मभूमि का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में अंत के नजदीक था तब पीएम मोदी ने इसमें देरी करने की कोशिश की थी। मंदिर के निर्माण के लिए असल में सुप्रीम कोर्ट और तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई समेत बाकी जजों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। लंबे समय से मोदी शाह और बीजेपी की नीतियों के कड़े आलोचक रहे स्वामी ने ये बातें 11 जनवरी को सोशल मीडिया के जरिए कही। माइक्रो ब्लॉगिंग मंच एक्स पर उन्होंने दो सिलसिलेवार पोस्ट में बताया कि पीएम मोदी ने इस केस में देरी की कोशिश की थी। ये मामला तब टॉप कोर्ट में निपटने के आसपास था। सरकार ने तब एक याचिका दाखिल की थी जिसमें अयोध्या की सारी भूमि लौटाने के लिए कहा था। सर्वोच्च अदालत ने तब इसे नजरअंदाज किया था और फैसला दिया था। इसके लिए उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके लिए तब के सीजीआई गोगोई और चार अन्य जजों को धन्यवाद कहना चाहिए। दरअसल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। रामलला के मंदिर के उद्घाटन से पहले ही उनकी नगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी है। न सिर्फ जो लोग अयोध्या जा रहे हैं बल्कि जो पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देख रहे हैं वो भी बहुत हद से मानते हैं कि मंदिर मोदी के संकल्प, इच्छा शक्ति और प्रयासों की वजह से बन रहा है। हालांकि ये भी रोचक बात है कि ऐसे लोगों में से अधिकतर मोदी के प्रशंसक समझे जाते हैं। वैसे असलियत ये है कि कोर्ट के निर्णय की वजह से इस धर्म स्थल के बनने का रास्ता साफ हुआ है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है कि ये महज भगवान राम और उनके मंदिर से जुड़ा मुद्दा ही नहीं बल्कि मोदी, उनकी छवि और नेतृत्व का भी मामला है।